अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। होप यू ऑल आर गुड। तो अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर स्वीट व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है, अभी हमने जाना है गाइस वेडिंग कार्ड बांटने। हमारे भाई की शादी है, इशलाल भाई की, वो मेरे ही प्रीवियस व्लॉग में आए हुए हैं, तो उनकी शादी होने जा रही है, तो हमने वेडिंग कार्ड्स बांटने जाना है। मैं और अली साथ में होंगे, और अभी अभी मेरे को अली का कॉल आया है कि हमने जाना है कहीं, तो अभी जस्ट हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे, और देखते हैं आगे आगे क्या रहता है सीन क्या नहीं। सो लेट्स गो, अभी अली से डायरेक्ट मुलाकात होगी तो वहीं पे मिलते हैं। तो ये रहा अली। फिलहाल हम पहुंच गए, हमें घर को देना था वेडिंग कार्ड, तो हम पहुंच गए वहां। सो ये रहा वो घर। ये अली जा रहा है अभी अंदर। तो अभी ना जस्ट हमने मतलब कार्ड दे दिया अंदर, अब यहां से वापस जाएंगे, थोड़ा सा मैच एंजॉय करेंगे। आज ये जो टूर्नामेंट लगा हुआ था यहां, लास्ट मैच है, इसके बाद अगला टूर्नामेंट खुलेगा, तो वो बात की बात है, बट अभी इस मैच को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। उसके बाद हमें और जाना है चार जगहों पर, और वहाँ दे के बाद में उसके बाद जाएंगे कहीं घूमने सुनने, और आज शाम को दिखाएंगे हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे, बट अभी चलते हैं यहाँ से फिलहाल। ये रही स्कूटी। ये जो फाइनल है टूर्नामेंट का, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे अभी आ चुका है। लास्ट ओवर बचा है और 9 runs नीडेड है बैटिंग टीम को जीतने के लिए। तो अभी देख सकते हो आप, दोनों टीमें बिल्कुल खड़ी हैं। अब जो भी जीतती है वो एकदम रेस करके जाएगी बीच में, और अभी 6 में 9 चाहिए। और अभी दूसरी बॉल। चार में चाहिए 3 रन, और बैटिंग का कैप्टन जो है वो बोल रहा है कि सिंगल से ही मैच जीत लो, बाउंड्री की लालच में अपनी विकेट नहीं गंवाना। और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, सीधे बोल्ड, डंडा डंडा निकाल, बहुत गलत बैटिंग, सिंगल ले सकते थे यहाँ पे, पर बॉल भी जबरदस्त। वैसे हम कमेंट्री नहीं करेंगे ज्यादा, बट बॉल बहुत अच्छी थी। और ये और एक विकेट, और एक विकेट, रन आउट। यार ये तो मिरेकल। देखनी पड़ेगी सेकंड लास्ट बॉल, ओवर की सेकंड लास्ट बॉल है। देखो भाई, एक बॉल की गेम है, अगर बाउंड्री आ गई तो मैच खत्म, नहीं आई तो मैच फिर एक बॉल तक रहेगा, एंड तक रहता है। ये बॉल डिसाइडेड। और ये डॉट बॉल, डॉट बॉल है। बैट्समैन आर्ग्यू कर रहे हैं कि वाइट दे दो, बट अभी नहीं दी एम्पायर ने। और भाई इस वाले टूर्नामेंट का यही एक रूल है कि एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। अब ये वाली जो बॉल है, ये मैच डिसाइडिंग बॉल है कि या तो जीतना है या तो हारना है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ 3 रन चाहिए एक बॉल पे, और बाउंड्री आना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो डबल निकालना पड़ेगा या तो बाउंड्री। लास्ट बॉल सभी अपनी नर्व संभालते हुए, और ये लास्ट बॉल डिसाइडेड है, और शॉट, और देखना पड़ेगा यहाँ से कैच लेते नहीं। ओ फील्डिंग जबरदस्त। और ये मैच ड्रॉ, ये मैच सुपर ओवर। आप देख ही सकते हो क्राउड,
सुपर मैच सुपर ओवर और लोग अंदर क्राउड अंदर मैच सुपर ओवर अभी अब मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा हाँ देख सकते हो जो प्लेयर बॉलिंग कर रहा था और पुछाल का क्राउड है पुछाल एरिया का क्राउड भाई अमेजिंग बहुत खुशी है काफी सराह रहे हैं उस बॉलर को जिसने अभी बॉलिंग कराई मतलब मैच बचा है यार मैच बचा है और बैट्समैन भी बड़ा तगड़ा था जिसे लास्ट पे बहुत उम्दा कोशिश करी लास्ट ओवर में विकेट लेनी बहुत बड़ी बात लुक एट द क्राउड गाइस यही मोमेंट्स होते हैं भाई मैच में जो कि बड़े खतरनाक मोमेंट्स होते हैं और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए अली भाई मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना अगर मैच बचाए वो बचाए साहिल दत्ता ने बराबर तो गाइस हम निकले तो हैं वेडिंग कार्ड बांटते हैं बट यहाँ मैच में इतना ज्यादा मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकता सुपर ओवर है भाई एम्पायर्स पे भी बहुत कुछ होता है एम्पायर्स पे जितना होता है ना कि मतलब और यहाँ पे कोई थर्ड एम्पायर वगैरह तो है नहीं लेकिन एम्पायर जो डिसीजन देगा वो लास्ट है तो एम्पायर को कितना सोच समझ के अपना डिसीजन देना है बाकी क्राउड अभी भी नहीं निकल रहा है देख सकते हो मेरे पीछे अभी भी नहीं निकल रहा है अभी बैट्समैन तैयार हो रहे हैं अब बॉलर्स भाई सुपर ओवर पूरा सुपर ओवर दिखाऊंगा पूरा सुपर ओवर और ये किश्तवाड़ कप फर्स्ट एडिशन है यहाँ पे मतलब पहला ही ये टूर्नामेंट इतना जबरदस्त जाएगा पता नहीं था मतलब इतना ज्यादा यार अमेजिंग कुछ कह नहीं सकता मैं यार बहुत ज्यादा मजा और अभी मिलते हैं डायरेक्ट जो ही मैच स्टार्ट होता है सुपर ओवर का तो उसी वक्त मिलते हैं डायरेक्ट मैच का मजा लो आप फर्स्ट बॉल ऑफ सुपर ओवर और पहली शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ खेली है पहला रन बड़ा ही तेज करा था इनने बट डबल नहीं कर पाए डबल में कन्वर्ट नहीं कर पाए अभी जसप्रीत सिंह स्ट्राइक पे ओ भाई साहब एक सबसे इजी कैच इन्हें ड्रॉप कर दिया भाई कोई नहीं एफर्ट जबरदस्ती कोई नहीं अभी भी मैच है और ये छक्का खतरनाक पुल कट खेला है दो रन बिल्कुल सामने लिए इनने फिर से एक शॉट खेली है तगड़ी शॉट चौका 14 बनाया है अभी तक ये बोनसर करी है तगड़ी और अभी यहां से ना मतलब हमारे पुछाल के प्लेयर जा चुके हैं साहिल दत्ता और चंद्रपाल सैनी दोनों बाहर के ही प्लेयर हैं आउट ऑफ स्टेट के एक तो साहिल दत्ता कलकत्ता के हैं और दूसरे शायद मैं पूरा श्योर नहीं हूं दिल्ली के मे बी अंकित चौधरी बॉलर और स्ट्राइक पे आएंगे साहिल दत्ता को यहां पे टीम डेविड बनना पड़ेगा तीन में तीन अगर बाउंड्री आती है ना पहली दो बॉल्स पे चाहे कोई भी आए चौका या छक्का फिर मारेगा पहली बॉल की बाउंड्री वो मारती है बॉलर को भी वो भी फ्रस्ट्रेट होता है बेचारा सो फर्स्ट बॉल साहिल दत्ता इज ऑन स्ट्राइक पहली बॉल और ये छक्का पहली बॉल पे छक्का दूसरी बॉल तीसरी बॉल एक और छक्का तीसरी बॉल पे बहुत लंबा छक्का और इसी के साथ दो रन चाहिए टोटल अभी क्या होता है इस बॉल पे तीन में दो रन हम तैयार है वापस दौड़ने के लिए एक और साहिल दत्ता दौड़ते हुए आगे व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक यार पहली बॉल पे छक्का दूसरी पे डबल तीसरी पे एक और छक्का और चौथी पे सिंगल यार मैच खत्म ये हमारे रोहित भाई मेरे को तो लगता है पूरे मैन ऑफ द टूर्नामेंट आएंगे यार जिस हिसाब से इन्हें बॉलिंग कराई है तो फाइनली गाइज मैंने ना सारे के सारे वेडिंग कार्ड्स जो हमने बांटने थे मैंने और अली ने वो बांट दिए हैं
और अब मैं घर आ चुका हूँ, अपने छत पे चढ़ा हुआ हूँ, तो पीछे से व्यू चेक कर लो भाई, इतना खूबसूरत व्यू है। और अभी अभी सन ना सेट हुआ है, अभी अभी सनसेट हुआ है। और मेरे ख्याल से अब मेरे को व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहिए भाई, काफी जगह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया, बट अपनी तरफ से पूरी ट्राई की यार, बहुत सारा व्लॉग बनाया मैंने। और उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, तो जैसे पहली वीडियोस पे प्यार बरसाया करते थे, वैसे इस वाली वीडियोस पे भी प्यार बरसाओ। और बाकी भाई कमेंट्स करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और मेरे को सजेस्ट करो कि आपको व्लॉग मतलब कैसा व्लॉग चाहिए यार, आपकी डिमांड क्या है, मतलब किस टाइप के व्लॉग आप चाहते हो मेरे से, और मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही व्लॉग बनाता रहूं। और बाकी यार एंजॉय करो अपना डे, यही बताऊंगा कि मेरा हमेशा से एक ही चीज रहता है भाई कि जिंदगी 4 दिन की है, इसको खुल के जियो और जैसी मर्जी है वैसी जियो। तो टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।